अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ज़ैनब के ब्लॉग में वेलकम है आपका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी और चिकन, जो बारिश के दिनों में बनती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? उसके लिए हमें चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए ये सत्तू जो मैंने एक कटोरी लिया है, ये अदरक, ये लहसुन, ये प्याज और ये हरी मिर्च और ये मंगरेला और ये अजवाइन। आप नमक अपने अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अब हम इसे मिला देंगे। अब देख सकते हैं लिट्टी के लिए सत्तू बनके अब तैयार हो गई है। अब हम लिट्टी के लिए आटे का डो तैयार कर लेंगे। उसमें हम पहले नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम इसे मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ताकि हमारी जो लिट्टी हो तो फूली फूली बने। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। देखिए ये हमारी डो तैयार हो गई है। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आटे के डो में सत्तू डाल के लिट्टी तैयार करेंगे छानने के लिए। देखिए इसमें हम इसी तरह हमें भरते जाना है सभी डो में। देखिए ये हमारी लिट्टी तैयार है, अभी छानना बाकी है। अब इसे हम कुछ देर के बाद छानेंगे। देख सकते हैं ये हमारा लिट्टी है, वो तैयार है। अब हम इसे छानेंगे। अब आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे अब लिट्टी को हम छानेंगे। ये देखिए हमारी सेकी हुई लिट्टी और ये है छनी हुई लिट्टी। देखिए ये लिट्टी हमारी जो है वो छन के तैयार हो गई है। हाँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए ये हमारा बनकर रेडी है लिट्टी और मुर्गा, लिट्टी चिकन आम विद सलाद। आम और सलाद के साथ इसे खाइए, ज़्यादा अच्छा लगता है।
ओके फ्रेंड्स, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।